हेलो बच्चों, सो हाउ आर यू। आज के इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। कि अकाउंटिंग के गोल्डन रूल्स क्या है, काफ़ी हम लोग ने सुना है। ये नाम जो है वो हमारे कानों में बस चुका है कि गोल्डन रूल्स। हमेशा काफ़ी लोग, जितने भी सीनियर्स है, जूनियर्स है, एवरीवन सेज गोल्डन रूल्स। लेकिन हालांकि काफ़ी कम लोगों को पता होता है कि एग्जैक्टली उसका फॉर्मूला क्या है, रूल्स क्या है, क्या नहीं है। तो वो सारी चीज़ें हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं, ठीक है। तो एक अकाउंट्स का एक ऐसा मंत्र है, एक ऐसी जड़ी बूटी है कि हर एक दर्द के ऊपर काम कर जाती है। अकाउंट में कोई भी दर्द हो, ठीक है, अकाउंटिंग का मैं बोल रहा हूँ, तो उसके ऊपर ये एक जड़ी बूटी है। ये एक लगा दो, इसे समझ लो, इसे कहाँ अप्लाई करना है, कैसे अप्लाई करना है समझ लो, आपका काम हो गया, आपका अकाउंटिंग वहाँ पर सॉल्व हो गया। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि एग्जैक्टली क्या है, और कहीं पे कुछ इंटरव्यूज में भी इसे पूछा जाता है, ठीक है। सो इट्स ईजी एंड इट्स इम्पॉर्टेंट ऑल्सो। काफ़ी लोग हैं जो बड़ा बड़ा बोलते हैं और उसे इतना ज़्यादा हार्ड कर देते हैं, वो होता नहीं है लेकिन अपने माइंड में फिक्स कर दे कि इट्स टू हार्ड, हम लोग इसे कर ही नहीं सकते, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं है, इट्स सिंपल है, एक रूल्स है, एक लॉ है जिसके अकॉर्डिंगली हमें अकाउंटिंग करना है, दैट्स इट। उससे ज़्यादा इसमें कुछ बहुत बड़ा साइंस नहीं, रॉकेट साइंस नहीं है, ओके। सो जस्ट चिल मारना है और देखना है कि एग्जैक्टली क्या है, ठीक है। सो आई एम शुभम, योर कॉमर्स मेंटर, विल स्टार्ट विद आवर गोल्डन रूल्स। तो लास्ट वीडियो में हम लोग ने क्या देखा था, पता है, तीन अकाउंट्स हम लोग ने देखे थे। अगर आप लोगों को याद आ रहे हो तो, याद तो आनी ही चाहिए भाई, ऐसे कैसे फिर, मतलब क्या इतना पढ़ा। तो पर्सनल अकाउंट, तीन अकाउंट्स हम लोग ने देखे थे। फिर हमने क्या देखा था, रियल अकाउंट। फिर हमने क्या देखा था, नॉमिनल अकाउंट। तीन अकाउंट हम लोग ने देखे थे, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट का हमें मतलब पता है, पर्सनल अकाउंट में कौन कौन आता है वो भी हमें लास्ट वीडियो में देखा है, ठीक है। जो नेचुरल पर्सन हो गया, आर्टिफिशियल पर्सन हो गया, रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट्स हो गया, तो वो सारे किस में आते हैं, पर्सनल अकाउंट में आते हैं, ठीक है। रियल अकाउंट में हमेशा क्या आते हैं, एसेट्स आते हैं, जो एसेट्स के अकाउंट होंगे तो वो सारे रियल अकाउंट्स में आते हैं। फिर नॉमिनल अकाउंट में हमारे क्या आते हैं, इनकम्स, लॉसेस, गेन्स वगैरह, एक्सपेंसेस, तो वो सारी चीज़ें हमारे नॉमिनल अकाउंट में आती। तो अभी सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे गोल्डन रूल की, वो करेंगे पर्सनल अकाउंट से, ठीक है। तो पर्सनल अकाउंट में रूल देखते हैं, पर्सनल अकाउंट का क्या है, डेबिट एज इक्वल टू द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, ठीक है। मतलब यहीं पे समझ में आ जाता है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा और ज्यादा सोच लेते हैं और उसकी वजह से क्या होता है, कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, हम लोग ने समझ लिया। भैया जो कुछ भी रिसीव होगा वो हमें कहां लिखना है, डेबिट साइड में, ठीक है। यहां पे एक मैं ऐसे अकाउंट बनाता हूं, ठीक है। तो अभी जब कभी भी पर्सनल अकाउंट में कौन कौन से आते, पर्सन आते, ठीक है। अभी यहां पे अगर मैं एक नाम बनाता हूं, जैसे शुभम, ठीक है, मेरे नाम का मैं अकाउंट बना लेता हूं, क्या बनना, ठीक है। तो शुभम अकाउंट लिखते हैं, मैंने शुभम अकाउंट लिख दिया, ठीक है। तो डेबिट द रिसीवर, अभी शुभम ने क्या किया है कि एबीसी कंपनी से शुभम ने क्या किया, गुड्स मंगाए, कुछ स्टॉक था वो मैंने मंगा लिया, कुछ गुड्स मंगा लिए, कुछ सामान मैंने मंगवा लिया एबीसी कंपनी से, शुभम ने मंगवा लिया। अभी यहां पे दो अकाउंट्स इन्वॉल्व होंगे,
यानी कि दो दो पार्टीज इन्वॉल्व हो रही है, एक शुभम खुद इन्वॉल्व हो रहा है और एक एबी से इन्वॉल्व हो रही है ये ट्रांजैक्शन में। तो शुभम जो है वो नेचुरल पर्सन है, ठीक है, आई एम द नेचुरल पर्सन, और एबीसी एक कंपनी है, एक इंस्टीट्यूशन का नाम है। तो एबीसी क्या हो गई, एक बनाई हुई फर्म है, तो वो आर्टिफिशियल पर्सन हो गए। यानी हम दोनों भी कहाँ आ गए, पर्सनल अकाउंट में आ गए। शुभम का जो अकाउंट है वो भी पर्सनल अकाउंट में, एबीसी कंपनी का जो अकाउंट है वो भी पर्सनल अकाउंट में, बिकॉज मैं नेचुरल पर्सन हूं और एबीसी कौन है, आर्टिफिशियल पर्सन है। अभी यहां पे क्या हो रहा है कि मैंने कुछ गुड्स मंगाए, मैंने 10,000 के वहां से गुड्स मंगाए एबीसी कंपनी से। अभी पर्सनल अकाउंट का रूल क्या बोलता है कि मैं पर्सनल अकाउंट में हूं, ठीक है, तो पर्सनल अकाउंट का रूल क्या बोलता है कि डेबिट द रिसीवर। तो यहां पे क्या हो रहा है, मैं गुड्स को रिसीव कर रहा हूं। तो जो 10,000 का माल मैं मंगा रहा हूं वो 10,000 की एंट्री में कहां लिखूंगा, डेबिट साइड में। मैं डेबिट साइड में लिख दूंगा 10,000, कहां लिखूंगा, शुभम के अकाउंट में। मैंने कितने लिखे, 10,000। मैंने पहले ही लास्ट वीडियो में ही बताया था कि डेबिट साइड हमेशा कौन सी साइड होती है, लेफ्ट साइड, और क्रेडिट साइड हमेशा राइट साइड, ठीक है। तो मैंने लास्ट में ही बताया था ये चीज आपको। अभी शुभम जो कि पर्सनल अकाउंट है, शुभम जो कि नेचुरल पर्सन है, इसके लिए वो पर्सनल अकाउंट हो गया। उसके बाद शुभम ने कहीं से गुड्स को रिसीव किया, गुड्स उसके अकाउंट में आने, उसके पास आ गए, तो मैं सीधा लिख दूंगा डेबिट साइड। हो गया, रूल अप्लाई हो गया, डेबिट द रिसीवर। हु इज रिसीविंग, शुभम इज रिसीविंग, सो ही इज द रिसीवर। सेम एबीसी में क्या हो रहा है, एबीसी में क्या हो रहा है कि गुड्स एबीसी के पास से जा रहे हैं। भैया जब गुड्स जो है वो यहां से निकले तभी तो यहां पे जाके पहुंचे, ठीक है, यानी कि यहां से निकल गए ना। लेकिन ये भी क्या है, आर्टिफिशियल पर्सन है। एबीसी क्या है, एक बॉडी है, एक इंस्टीट्यूशन है। तो आर्टिफिशियल पर्सन भी हमेशा किस में आता है, पर्सनल अकाउंट में आता है। अगर आर्टिफिशियल अकाउंट भी पर्सनल अकाउंट में आता है तो इसके लिए भी सेम रूल अप्लाई होंगे। ये जो दो रूल है ये सेम वाले रूल इसके लिए भी अप्लाई होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एबीसी क्या कर रही है, क्या रोल प्ले कर रही है, एबीसी जो है वो देने का रोल प्ले कर रही है। एबीसी क्या कर रही है, देने का रोल प्ले कर रही है। तो इसके लिए एबीसी के क्रेडिट साइड में मैं क्या लिखूंगा, 10,000। इज दैट क्लियर, काफी इजी है, सिंपल है। वापस समझाओ, पर्सनल अकाउंट, ठीक है, तो पर्सनल अकाउंट में कौन आते हैं, नेचुरल आते हैं, आर्टिफिशियल पर्संस आते हैं और रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट्स आते हैं, ठीक है। ये तीन टाइप के जितने भी लोग होते हैं वो सारे के सारे पर्सनल अकाउंट में आते हैं, ठीक है। तो शुभम कुछ मंगा रहा है, यानी कि शुभम का अकाउंट आ गया, और शुभम कौन है, नेचुरल पर्सन। जो कि ये नेचुरल पर्सन है तो इसके लिए ये पर्सनल अकाउंट जो है उसके ये रूल्स अप्लाई होंगे। ये जो दो रूल्स है पर्सनल अकाउंट के वो उसके लिए अप्लाई होंगे, ठीक है। तो रूल क्या बोलता है कि जब भी कोई भी कुछ रिसीव कर रहा है, जो पर्सन है, जो पर्सनल अकाउंट है, अगर वो पर्सनल अकाउंट रिसीव कर रहा है तो आपको ज्यादा कुछ सोचना नहीं है, आपका दिमाग चलाना नहीं है, आपको सीधा वो लिखना है डेबिट साइड में। ये पर्सनल अकाउंट का रूल बोलता है, अगर कोई कुछ रिसीव कर रहा है तो वो डायरेक्टली हमें कहां लिखना है, उस पर्सन के, जो पर्सन रिसीव कर रहा है उस पर्सन के डेबिट साइड में हम लोग को दिखाना है, दैट्स इट। दूसरा रूल क्या बोलता है, अगर दूसरा वाला जो देने वाला बंदा है वो भी अगर पर्सनल अकाउंट के ग्रुप में आता है, देने वाला जो बंदा है वो भी अगर पर्सनल अकाउंट के ग्रुप आता है तो आपको कुछ सोचना नहीं है, उसके सीधा जाना है उसके अकाउंट के क्रेडिट साइड में, लिखना है कि उसने 10,000 का माल दे दिया, दैट्स इट। ये क्या हो गया, पर्सनल अकाउंट का ट्रांजैक्शन हो गया, इट इज अ पर्सनल अकाउंट ट्रांजैक्शन, ठीक है। ऐसे हम लोग को उसे ट्रीट करना होता है। अभी देखो क्या है, रियल अकाउंट। रियल अकाउंट को हम लोग एसेट्स भी कहते हैं, एसेट्स का अकाउंट होता है। रियल अकाउंट का रूल क्या आता है भाई, जो डेबिट में आएगा
तो वो ऐसा आना चाहिए कि हम लोग ने रिसीव किया है। तो इसके लिए रूल ऐसा होता है, व्हाट कम्स इन, यानी कि जो कुछ आता है उसे हमें लिखना है। यानी कि अगर एसेट्स आता है तो हम लोग डेबिट साइड में लिखेंगे, यानी कि मैं अगर प्लांट ले रहा हूं तो वो मेरे डेबिट साइड में आएगा। अगर मैं प्लांट बेच रहा हूं तो वो आएगा व्हाट गोज आउट। प्लांट जाने तो मैं फर्नीचर ही लेता हूं, ठीक है, व्हाट गोज आउट, दैट्स इट। रियल अकाउंट के दो रूल क्या है कि डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट, यानी कि जो आ रहा है उसे लिखो डेबिट साइड में। यानी अगर कोई एसेट्स तुम्हारे बिजनेस में एंटर कर रहा है तो उसे लिखो डेबिट साइड में, कोई एसेट्स तुम्हारे बिजनेस से बाहर जा रहा है तो उसे लिखो क्रेडिट साइड में। दैट इज द रूल ऑफ रियल अकाउंट। ये रियल अकाउंट का एक लॉ है, एक रूल है, ठीक है। तो हमेशा देखो यहां पे कैसे होता है कि कैश जो होती है, कैश अकाउंट जो होती है, तो वो कैश क्या होती है, ये हमारी एसेट्स होती है, इसे हम लोग करंट एसेट्स बोलते हैं, ठीक है। तो मैंने यहां पे क्या किया, कैश अकाउंट बना लिया, मैंने यहां पे कैश अकाउंट बना लिया। अभी हुआ क्या कि कैश मेरे पास से चली गई, यानी कि मेरे पास से एसेट्स निकल गया, तो मैं इसको क्या लिखूंगा, क्रेडिट साइड में, ठीक है। और अगर कैश मेरे पास आ रही है तो मैं इसे लिखूंगा डेबिट साइड में। इज दैट क्लियर। यही इसका रोल होता है कि एसेट्स अगर आता है तो लिखो डेबिट में, एसेट्स अगर जाता है तो लिखो क्रेडिट में। ज्यादा कुछ सोचना ही नहीं है, बहुत सिंपल है। शायद होगा कि आप लोगों को अभी समझ में नहीं आएगा, यहाँ पे अमाउंट लिखना चाहिए था, फिर कैश अकाउंट आया, कहाँ से कहाँ चला गया, ठीक है। सिर्फ इतना ध्यान में रखो कि एसेट्स आ रहा है तो अंदर लिखो, यानी कि डेबिट में लिखो, एसेट जा रहा है तो क्रेडिट में लिखो। सिर्फ यही चीज माइंड में फिक्स करो, और कुछ मत करो। आगे का सोचो ही मत कि कौन सा ट्रांजेक्शन, किसने किसको कितना दिया, क्या दिया, डोंट थिंक अबाउट इट, जस्ट फोकस ऑन दिस कि मेरे कंपनी में एसेट्स आ रहा है तो मैं डेबिट लिखूंगा, मेरे कंपनी से एसेट्स बाहर जा रहा है तो मैं क्रेडिट लिखूंगा, दैट्स इट, ठीक है। फिर नॉमिनल अकाउंट देखो क्या होता है कि नॉमिनल अकाउंट का एक रूल है, डेबिट एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट इनकम्स एंड गेन्स, ठीक है। ये भाई नॉमिनल अकाउंट का रूल है। याद रखने में क्या डिफिकल्टी है, कुछ भी तो डिफिकल्टी नहीं है इसमें याद रखने में, ठीक है। तो नॉमिनल अकाउंट में क्या होगा कि बिजनेस को जितने भी एक्सपेंस हो गए, जितने भी लॉस हो गए, तो वो सीधा क्या बोलते हैं कि आपको कहां लिखना है, डेबिट साइड में लिखना है। बिजनेस को अगर आपको प्रॉफिट हो गया, इनकम हो गया, गेन हो गया, तो वो कहां लिखना है, क्रेडिट साइड में। यानी कि अगर ऐसा अकाउंट होगा, अगर डेबिट है, एक्सपेंस हो रहा है तो आप यहां पे लिखो, लॉस हो रहा है तो आप यहां पे दिखाओ, एक्सपेंस हो रहा है तो यहां पे दिखाओ, आपको इनकम भी हो रहा है, गेन भी हो रहा है तो आप यहां पे दिखाओ, क्रेडिट साइड में, ठीक है, डेबिट एंड क्रेडिट। इज दैट क्लियर कि ये तीन रूल जो है वो गोल्डन रूल्स है। सिर्फ एक चीज ध्यान में रखनी है कि पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट द रिसीवर, ठीक है। अगर बिजनेस रिसीव अगर बिजनेस है, मैं ना सिंपल आपको समझाने के लिए अभी है ना और इजीली कर देता हूं, ठीक है, ज्यादा कुछ उसके पास सोचना नहीं। देखो मेरा बिजनेस है, ठीक है, एबीसी नाम की मेरी कंपनी है, ठीक है, उसका मैंने अकाउंट बना लिया। एबीसी नाम कहाँ से कुछ रिसीव कर रही है, यानी कि वो डेबिट में लिखेगी। अगर किसी को कुछ दे रही है तो वो क्रेडिट में लिखेगी, ठीक है, यानी पर्सनल अकाउंट के हिसाब से। तो एबीसी अकाउंट क्या होगा, पर्सनल अकाउंट होगा। तो कुछ रिसीव कर रही है तो यहाँ पे डेबिट में आएगा, और कुछ दे रही है तो वो क्रेडिट में आएगा। इज दैट क्लियर, ठीक है। अभी एबीसी कंपनी के पास कुछ एसेट्स आ रहे हैं, कंपनी के पास अभी क्या हो रहे हैं,
कुछ एसेट्स आ रहे हैं, ये कंपनी का ही अकाउंट है समझ लो, कुछ एसेट्स को वो गेन कर रही है, यहाँ पे डेबिट यहाँ पे क्रेडिट, कुछ एसेट्स को वो गेन कर रही है तो यहाँ पे क्या होगा कि एसेट्स डेबिट में आएंगे, कुछ एसेट्स को उसने बेच दिया तो वो क्रेडिट में लिखेगी, कुछ एसेट्स को वापस उसने खरीदा डेबिट में लिखेगी, कुछ को बेच दिया वापस वहाँ पे लिखेगी, ठीक है। तो ये एसेट्स का हो गया। अभी कंपनी को क्या दिखाना है कि मुझे एक्सपेंस हुआ है तो वो एक्सपेंस यहाँ पे दिखाएगी, लॉस यहाँ पे दिखाएगी, अगर मुझे गेन हुआ यानी इनकम और गेन हुआ है तो वो यहाँ पे दिखाएगी, यहाँ पे दिखाएगी, ठीक है। तो अभी देखो कैसे रूल्स अप्लाई हो गए, यहाँ पे तीनों में रूल्स अप्लाई हो गए, तीनों रूल्स अप्लाई हो गए। पर्सनल अकाउंट है डेबिट द रिसीवर, तो उसने रिसीव किया, हो गया डेबिट द रिसीवर, उसने कुछ दे दिया, बाहर चला गया उसके पास से, कुछ कुछ भी था उसके पास, छोटी मोटी चीज क्यों ना हो, उसके पास से बाहर चली गई तो वो गिवर में, यानी कि क्रेडिट में, क्रेडिट द गिवर, ठीक है। अभी एबीसी कंपनी के एसेट्स है, कुछ एसेट्स वो लेके आई, ठीक है, तो ये क्या हो रहा है, कम्स इन, बिजनेस के अंदर आ रहा है, बाहर जा रहा है तो गोज आउट, जो कि है रियल अकाउंट का रूल, ठीक है, बाहर जा रहा है तो गोज आउट, जो कि है रियल अकाउंट का रूल। अभी क्या हो रहा है कि वापस कुछ अंदर आ रहा है, वापस कुछ बाहर भी जा रहा है, कुछ एसेट्स है उसके वो बाहर जा रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया, एसेट्स अकाउंट हो गया, यानी कि ये रूल्स अप्लाई हो गए, डेबिट व्हाट कम्स इन, अगर कुछ अंदर आ रहा है तो हम लोग ने डेबिट साइड में लिख दिया, कुछ बाहर भी जा रहा है हम लोग ने क्रेडिट साइड में लिख दिया, ठीक है। अभी नॉमिनल अकाउंट में इसको एक्सपेंस हो गया तो इसने डेबिट साइड में लिख दिया, इसको लॉस हो गया तो भी इसने डेबिट साइड में लिख दिया, अभी इसको इनकम हो गया और गेन भी हो गया तो उसने क्रेडिट साइड में लिख दिया, ठीक है। यानी कि ये तीनों रूल्स यहाँ पे अप्लाई हो गए। सो आई होप सो कि ये आप लोगों को थोड़ा बहुत तो समझा होगा, बिकॉज आप जब तक ये सम्स नहीं करोगे ना, मैं यहाँ पे आपको कितना भी ऐसे ऐसे मर मर के पढ़ाओ, ऐसे कितना भी आपको समझाओ तो शायद हो सकता है बाउंस जाएगा ही जाएगा, ठीक है। लेकिन आपको बेसिक समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, बेसिक रूल्स आपको समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि रूल्स क्या होते हैं, कि डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, रियल अकाउंट में क्या होगा यानी कि एसेट रिलेटेड जहां पे ट्रांजैक्शन है तो वहां पे डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट, कुछ आ रहा है तो डेबिट में लिखो, कुछ जा रहा है तो क्रेडिट में, ये बेसिक आप लोगों को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। यहाँ पे नॉमिनल में कुछ एक्सपेंस हो रहा है तो आपको डेबिट में लिखना है, अगर कुछ इनकम हो रहा है तो क्रेडिट में, वो कैसे एक्सपेंस है, कैसे इनकम है, कैसे एसेट्स है, क्या है, वो सब हमें सम्स में पता चलेगा। तो वो सारा चीजें अभी मैं कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट नहीं करना चाहता, ठीक है। डेबिट है, कुछ रिसीव कर रहा है तो डेबिट में लिखो, कुछ दे रहा है तो क्रेडिट में लिखो। तो ये जो रूल्स है ना, ये जो बेसिक्स है, ये आप लोगों को लर्न करने ही पड़ेंगे, इसके आपको माइंड में रखना ही पड़ेगा, ठीक है। तो हम लोगों को आगे का समझ में आएगा, ठीक है। सो आई होप सो कि आप लोगों को समझा होगा। अभी इसकी एप्लीकेबिलिटी कैसे होता है, इंप्लीमेंटेशन कैसे होता है ना, तो वो सब में आपको देखने के मिलेंगे, ठीक है। तो हम लोग जब इसको जर्नल में स्टार्ट करेंगे तो जर्नल में हम लोग थोड़ा सा देखेंगे कि एग्जैक्टली कैसे क्या होता है, ठीक है। जर्नल और लेजर में हम लोग को ये ज़्यादा देखने मिलेगा। सो अगर आप लोग ने अभी तक वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो आप सब्सक्राइब करके रखिए ताकि आपको जब भी हम लोग कोई वीडियोस अपलोड करें तो आपको पहला नोटिफिकेशन जाए और आप वीडियो को देख सकूँ, क्योंकि एक सीरीज़ में हम लोग चलेंगे तो काफ़ी सारे जो आपके अकाउंट्स के डाउट्स हैं वो सारे इसमें क्लियर आउट हो जाएंगे, ठीक है। सो गोल्डन रूल्स यहाँ तक ध्यान में रखने। अगर ये सब भी आपको कुछ नहीं समझ में आता ना, ये वाला भी अगर आपको कुछ नहीं समझा, मैं सिर्फ बोलता हूँ ना, ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाला पार्ट, इसको माइंड में फिक्स करो, कुछ भी करो इसको माइंड में फिक्स करो। अगर कुछ नहीं समझ में आया तो सिर्फ इसको माइंड में फिक्स करो और कुछ मत करो, बाकी कैसे समझाना है, क्या समझाना है ना, वो मैं सब में आपको समझा दूंगा, उसका आप टेंशन मत लेना, ठीक है। इज दैट क्लियर गोल्डन रूल्स क्या है। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। अगर आप लोगों को कुछ डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। वी विल मीट अगेन विद अ न्यू वीडियो विद अ न्यू कॉन्सेप्ट्स। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड बाय बाय।